मध्य प्रदेश के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बोरवेल में फंसे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक 80 घंटे बाद बोरवेल से तन्मय को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल जमीन के नीचे पत्थर होने के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसे निकालने में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तमाम चुनौतियां पेश आ रही थी, जिसके बाद हाथ से गड्ढा खोदकर यानी मैनुअली गड्ढा खोदकर बच्चे को निकाला गया, लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगने की वजह से तन्मय को बचाया नहीं जा सका। तो तन्मय जो कि बीते 4 दिनों से गड्ढे में बोरवेल में फंसा हुआ था, खेलते खेलते वो इस बोरवेल में गिर गया था, उसे बाहर निकालने की तमाम जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कोशिशें की जा रही थी, जब उसे बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, तो तन्मय की मौत की पुष्टि डॉक्टर्स ने की और कई दिनों से 4 दिनों से वो बोरवेल में गिरा हुआ था और उसने पहले दिन के बाद से ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। हालांकि उसे लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा था और उस पर नजर रखने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बीच टीम को तमाम चुनौतियां भी पेश आ रही थी। पत्थर होने की वजह से गड्ढा खोदने में दिक्कत हो रही थी। हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वासु, और क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुबह 6 बजे करीब तन्मय तक बचाव दल की जो टीम है वो पहुंच पाई, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, तन्मय जिंदगी की जंग जो है हार चुका था। और इसके बाद मांडवी गांव के पास जो ये पूरा हादसा हुआ था तन्मय के बोरवेल में गिरने का, टीम ने बॉडी को रिकवर किया और फिर सीधे बैतूल जिला अस्पताल जो है नजदीकी वहां पर लेकर पहुंचे। पोस्टमार्टम तन्मय का हो चुका है और पोस्टमार्टम के बाद अब जो तन्मय का पार्थिव शरीर है उसे परिवार को सौंप दिया गया है। परिवार शरीर को लेकर अपने जो गृह ग्राम है उनका, यानी कि मांडवी जो गांव है, वहां पर परिवार पार्थिव शरीर को लेकर पहुंच गया है और अब जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो विधि विधान से वहां पे पूरे होंगे और शासन प्रशासन की ओर से इस दौरान तमाम सारी व्यवस्थाएं जरूर की गई थी, लेकिन नाकाफी साबित हुई। जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चला वो नाकामयाब रहा। करीब 85 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग तन्मय लड़ता रहा। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आने वाले समय में साफ हो पाएगा कि कितनी देर बाद, यानी कि बोरवेल में गिरने की कितनी देर बाद तन्मय की मौत हो गई थी। जी, लगातार दुआओं का दौर जारी था, लेकिन ये दुआएं काम नहीं आई और आखिरकार तन्मय जिंदगी की जंग को हार गया। सबकी एक बड़ी खबर आ रही है, फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मैच का रिजल्ट पेनल्टी के जरिए हुआ। पहले